दोस्तों, आज के समय आप कहीं भी जाइए, चाहे आप बैंक जाइए, चाहे एटीएम जाइए, चाहे आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाइए, या किसी स्कूल में जाइए, अपने बच्चे के स्कूल में जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, हॉस्पिटल पे जाइए, मतलब कि कहीं भी आप जाते हैं तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई देती है, वो है सिक्योरिटी गार्ड, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। आज सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड इतनी है, इतनी है, और हर एक सेक्टर पर है। तो आज इसकी डिमांड इतनी है, लेकिन इसकी डिमांड जो है कंप्लीट हो नहीं रही है, और इसी की वजह से जो है आज आप देखेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड जो एजेंसी होती है, सिक्योरिटी गार्ड की जो एजेंसी लेने वालों की आज लाइन लगी हुई है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, प्रॉफिट ज़्यादा है। और इसमें क्या है कि जो आदमी के पास में सिक्योरिटी एजेंसी होती है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि उसके अंदर में जो सिक्योरिटी गार्ड सब है वो अलग अलग जगह में लगे हुए होते हैं, और जो उनकी मतलब उनकी जो सैलरी अगली कंपनी से मिलती है या अगली पार्टी से मिलती है, तो उसमें से कुछ हिस्सा जो है उस सिक्योरिटी गार्ड की जिसकी एजेंसी होती है वो रख लेता है, और बाकी जो सैलरी जो होती है सिक्योरिटी गार्ड को दे देता है। तो मिला जुला कि ये काम ऐसा है जहाँ पास आपको एक बार मतलब मेहनत करनी होगी, एक बार अपना सारा मतलब एजेंसी सेटअप खोलना होगा, उसके बाद जो है आप जो है पैसे कमा सकते हैं बैठे बैठाए। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस क्या होता है, कैसे लिया जाता है, इसके फायदे क्या है, और आने वाले वीडियो में मैं आपसे और भी इसके विषय में डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और एक कागज़ और पेन भी ले लीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ वो आप उसको नोट डाउन कर ले, ताकि आपको जो है आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो आपको जो सबसे मेन लाइसेंस होती है, इसको बोला जाता है पसारा लाइसेंस, PSARA। पसार लाइसेंस अलग अलग स्टेट वाइज मिलती है, और इसको जब आप लेते हैं तो आप केवल अपने स्टेट के अंदर ही बिजनेस कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन की अलग अलग स्टेप है, जैसे कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए ले सकते हैं, या 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए ले सकते हैं, या होल स्टेट के लिए ले सकते हैं। तो पसार लाइसेंस लेने के बाद ही आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसी का बिजनेस कर सकते हैं, आप अपने यहाँ सिक्योरिटी गार्ड को रख सकते हैं, और अपने सिक्योरिटी गार्ड को आप दूसरों की सर्विस देंगे, दूसरों के लिए सर्विस देंगे, तो आपको जो है इससे इनकम होती है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, पसारा लाइसेंस आपको लेनी चाहिए सिक्योरिटी एजेंसी खोलने के लिए, उसके बिना आप नहीं खोल सकते। तो दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं कि पसारा के विषय में जो इसी गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ। तो आपको सिंपल टाइप करना होगा अपने गूगल क्रोम पे PSARA.gov.in, जैसे कि मैंने यहाँ टाइप किया है, और यहाँ पास ये जो सबसे पहला जो ओपन हो चुका है, ये इसकी गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसको खोलने का मकसद मेन है कि मैं आपको दिखा सकूं कि इसकी डिमांड क्या है। तो जैसे ये पूरी वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है, और यहाँ मोदी जी का फोटो आ गया है 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेके, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पास सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, और आपको क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पास आप देखिए, आज के समय में जो टोटल सबसे ज़्यादा पसारा लाइसेंस है वो गुजरात में एक्टिव पसारा है। तो गुजरात देखिए छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ पास 5,234 जो मतलब पसारा लाइसेंस है। इसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर आता है, फिर कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, इस तरह से अलग अलग का नंबर आता है, जो कि आप यहाँ पास डिस्प्ले में देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पसारा लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है। चूंकि गुजरात क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पास बिजनेस मैन लोग बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पास सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड का डिमांड है। और महाराष्ट्र में भी आप जान सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बहुत सारे बॉम्बे जो कि मतलब इंडिया का कैपिटल, आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, तो इसीलिए यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस जो है बने हुए हैं। अब मैं आपको यहाँ पास दिखा देता हूँ, और एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी तक ऑल स्टेट मतलब पूरे इंडिया भर में, अगर मैं आपको बात बताऊं तो 32,113 लाइसेंस जो है बने हुए हैं, लाइसेंस इशू हुए हैं, और इनमें से 18,435 लाइसेंस इंडिया में अभी तक एक्टिव है, और 13,668 जो है एक्टिव नहीं है, मतलब कि वो
हो सकता है कि किसी कारण से रिन्यू हुए हो या नहीं हुए हो। तो अब स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पास पहले भी बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस बात को रिपीट नहीं करूँगा। आप यहाँ पास वेबसाइट खोल के भी देख सकते हैं कि किस स्टेट में कहाँ कहाँ वेब ज़्यादा है। जैसे यहाँ पास आप दिल्ली में भी देख सकते हैं, लगभग 1500 पसारा लाइसेंस है। अब मैं आपको जो यहाँ इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, जो कि पसार लाइसेंस को लेकर है, कि अलग अलग स्टेट में देखिए पसार लाइसेंस को कैसे, मतलब इसका मैनेजमेंट कैसा होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक गैजेट निकाल दिया है, एक नियम निकाल दिया, सिंपल भाषा में एक नियम निकाल दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब अलग अलग स्टेट को क्या किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अलग अलग पावर दे के रखी हुई है कि जो पसार लाइसेंस इशू होगा तो इसको इशू करने की जो मतलब अथॉरिटी है, जो ताकत है, वो कौन किसको दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से अलग अलग रूल्स बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का तो एक रूल्स है, जो कि मैं यहाँ पास आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पास सेंट्रल गवर्नमेंट के देखिए यहाँ लिखा हुआ है, द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। इसके अलावा जो भी इसमें एडिट हुआ था, जिससे प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी सेंट्रल मॉडल रूल्स 2020, तो इन सब के विषय में मैं वीडियो बनाऊंगा आपको। लेकिन आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, इसलिए आप पहले यहाँ से देख लीजिए। अगर आप खुद भी मतलब डाउनलोड करके देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर दूँ, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा और कैसे कैसे बनाना है। तो इसके बाद क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया, जहाँ पास से गाइडलाइन दी गई है। इसके अलावा स्टेट को मैंने कहा कि पावर दिया गया है कि जो पसार लाइसेंस को इशू करने के लिए, तो यहाँ पास देखिए हर एक स्टेट ने क्या किया गया है कि हर एक स्टेट ने क्या किया है कि अपना एक अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है, जो कि यहाँ यहाँ पास देखिए आपको यहाँ क्लिक होगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी रूल्स। अगर आप इसको क्लिक करते हैं, अगर आप इसको यहाँ क्लिक किए देखिए, यहाँ जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आप किस स्टेट में है वहाँ के रूल्स आप निकाल सकते हैं, और निकाल के आप जो है स्टडी कर सकते हैं। मोटा माटी 70% जो रूल्स है वो लगभग सेम ही है, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गैजेट है उसके अनुसार ही है। मैंने पढ़ा है बहुत से मतलब स्टेट का रूल्स, कुछ डिफरेंस है, कहीं पास ऐसा है कि फीस का 19-20 ज़्यादा है, कहीं पास जो वैलिडिटी है, तो इसके अनुसार कुछ अलग अलग ये है। तो आपको जिस स्टेट के विषय में जानना होगा, या तो आप खुद पढ़ सकते हैं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं बना दूंगा आप एक वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रूल्स को आप यहाँ क्लिक करेंगे, जिससे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इसका जो पीडीएफ होता है ये डाउनलोड हो जाता है। जैसे ये अंडमान निकोबार का मैंने आपको यहाँ डाउनलोड करके दिखाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद जो है यहाँ पास फिर से हम लोग होम में आ जाते हैं, ठीक है। होम में आने के बाद जो है मतलब जो वापस हम लोग आ गए, ये रूल्स रेगुलेशन हो गया, आपको ये मालूम चल गया कि कौन सा स्टेट में कितनी ज़्यादा कितनी सिक्योरिटी एजेंसी है और क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, प्रोसेस क्या क्या होता है। नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जब आप पसार लाइसेंस लेने जाओगे। तो यहाँ सबसे पहली बात मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये सब पसार लाइसेंस के लिए आप खुद मालिक हो, मतलब खुद का आप खुद के लिए जो है पसार लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपकी क्या क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि यहाँ पास आप देख रहे हैं कि आप जो है आप अगर उसका मतलब आप मालिक हो, उसके डायरेक्टर हो, तो आपको जो है इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी क्राइटेरिया है, तीसरी क्राइटेरिया है कि आप पे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, ना ही क्रिमिनल एक्टिविटी होना चाहिए, ना ही आपके ऊपर कोई भी ऐसा केस या इस तरह का मतलब मुकदमा चल रहा हो। और इसमें जो आप चौथी क्राइटेरिया है कि आपके पास में आपकी जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्थिति वो मजबूत होना चाहिए, इसलिए आपको इनकम टैक्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने के लिए भी बोला जाता है ना। दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि आपके यहाँ जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, कोई सिक्योरिटी गार्ड को तो आप मतलब चॉइस करोगे ही, अपनी नौकरी पे रखोगे ही, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इसके लिए भी कंडीशन है, पहला कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड को आप रखेंगे उसको इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी एज 18 से 65 साल के बीच होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि उसको कोई भी गवर्नमेंट
या सरकारी पद से या संस्था से उसको डिसमिस नहीं किया गया हो, मतलब कि निकाला नहीं गया हो, जो उस बंदे पे कोई भी क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस ना हो, ना ही उस पे कोई मुकदमा चल रहा हो, उस बंदे ने, उस बंदे की जो फिजिकल फिटनेस है, फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि उसकी जो लंबाई चौड़ाई ये सब, जो जैसे आपने देखा होगा पुलिस वुलिस में भर्ती होते हैं तो एक फिजिकल फिटनेस का एक उनका मतलब क्राइटेरिया होता है। तो ये जो क्राइटेरिया है मैंने आपको जो पहले आपको दिखाया था रूल्स एंड रेगुलेशन में स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें लिखा हुआ है कि कितना हाइट होना चाहिए, कितना चेस्ट होना चाहिए, तो ये सारे फिजिकल मतलब दिया गया है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं इसके विषय में भी अलग वीडियो बना दूंगा, मतलब कि वो फिजिकली फिट होना चाहिए। यहाँ पास एक चीज़ जो नहीं दी गई है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो क्वालिफिकेशन है, जो आपके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करेगा उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास होता है, मतलब कि 8वीं पास होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि हाँ देखिए यहाँ पास फिजिकल स्टैंडर्ड कंडीशन ऑलरेडी है, मैंने इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो ये सारे जो कंडीशन है आपके यहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड को आप रखोगे वो है। इसका जो नेक्स्ट कंडीशन है कि जो भी ये सिक्योरिटी गार्ड को आपने चॉइस किया है, मतलब जिसको आपने नौकरी पे रखा है, उसकी उसने जो है ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। ट्रेनिंग क्या है इसके विषय में भी आगे मैं बताऊंगा, मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड को जब भी अपॉइंटमेंट होता है तो उसको एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो ट्रेनिंग जो है ये सिक्योरिटी गार्ड जिसको आपने नौकरी पे रखा है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं पसार लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ मैं डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ आपको लिखा हुआ है सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जब कभी भी आप कोई कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी, इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। जब नेक्स्ट होता, नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है सेकेंड नंबर पॉइंट, जो कि साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या है तो दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था, जब कभी भी आप पसार लाइसेंस लेने जाओगे तो आपको जो है अपनी सिक्योरिटी गार्ड को ट्रेनिंग देने के लिए एक ट्रेनिंग स्कूल के साथ में मेमोरेंडम मतलब एक समझौता आपको साइन करना होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इससे साइन करने से होता क्या है कि आपके यहाँ जो भी सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे वो वहाँ पास क्या करेंगे आपके मतलब ट्रेनिंग जो है ट्रेनिंग उस स्कूल में करेंगे और स्कूल सर्टिफाइड करेगी कि आपका सिक्योरिटी गार्ड क्या है ट्रेंड है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं तीसरा नंबर पॉइंट, एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑफिस। तो एड्रेस प्रूफ ऑफ ऑफिस में बहुत कुछ आता है, जैसे कि इसमें सबसे मेन चीज़ होता है आपके यहाँ का इलेक्ट्रिक बिल है आपके ऑफिस का, या फिर आपके ऑफिस का रेंट एग्रीमेंट, इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट जो है ये भी इसमें आता है, तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको मतलब रखना होगा। नंबर 4 और नंबर 5 ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन और प्रोविडेंट फंड। तो जब कभी भी आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो दोस्तों ये चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, जब कभी भी आप प्राइवेट कंपनी बनाते हैं तो प्राइवेट कंपनी के साथ में जैसे कि इसमें मैंने बताया है कि COI मिलता है, इसके अलावा कंपनी का MOA AOA भी मिलता है जो कि आपको पसार लाइसेंस की अप्लाई में देना होगा, और EPF और ESIC ये दोनों रजिस्ट्रेशन आपको मिलते हैं। ये जो ESIC इसी को बोला जाता है और EPF इसको बोला जाता है, तो ये दोनों रजिस्ट्रेशन जो है कंपनी आप रजिस्टर करेंगे तो ही साथ में मिल जाएगा, कहीं बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 6 पॉइंट बोला गया है आई कार्ड ऑफ ऑल एम्प्लॉय, जितने भी आपके यहाँ के एम्प्लॉय सबके आई कार्ड होनी चाहिए, इसका फॉर्मेट भी दिया गया है जो मैंने आपको पिछले बार जो मतलब पिछले में बताया हुआ है, वीडियो को थोड़ा बैक करके देखिएगा, उसमें फॉर्मेट भी दिया गया जहाँ स्टेट से आप रूल्स एंड रेगुलेशन निकालते हैं। ना जो 17वां नंबर पॉइंट है, एक एफिडेविट आपको बनाना है पसारा एक्ट के तहत,
इसके अलावा जो कंपनी का लोगो है और यूनिफॉर्म पैटर्न आपको डिजाइन करना है। यूनिफॉर्म ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सरकारी संस्था से मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से रिजेक्ट हो जाएगा कि आपने सीआरपी की वर्दी को लेके कॉपी कर लिया, वैसा नहीं होना चाहिए। नंबर 9 पॉइंट है, जो भी कंपनी के डायरेक्टर हैं उनका इनकम टैक्स की फाइलिंग होना चाहिए, तो ITR फाइलिंग आपको देना है। नंबर 10 पॉइंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एम्प्लॉई, ऑल एम्प्लॉई का भी और साथ में जो कंपनी के डायरेक्टर है इनका भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। मतलब कि जिसको हम लोग शॉर्ट में बोला जाए तो पुलिस वेरिफिकेशन इनका होना चाहिए, और पुलिस वेरिफिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक आपको पसार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद में आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, तब आपको पसारा मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। और यहाँ पास और एक चीज़ है, मैं बता देता हूँ एडिशनल में, जैसे मान लीजिए GST भी कभी कभी है, और साथ में आपके कंपनी का पैन नंबर और टैन नंबर भी आपको रिक्वायरमेंट होगा। और एक चीज़ आपको बता दूँ, बहुत सी जगह पास आपने देखा होगा कि मतलब जो प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप के विषय में लोग बोलते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पास जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करके कीजिए वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है जो इसकी फीस कितनी है, तो फीस के विषय में आपको यहाँ दिखा दूँ कि अगर आप एक स्टेट के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट के लिए लेते हैं तो 5,000 रुपये फीस है, अगर 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए लेते हैं तो 10,000 रुपये फीस है, और अगर पूरे स्टेट के लिए लेते हैं तो 25,000 रुपये इसकी फीस है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं वैलिडिटी के विषय में कि पसार लाइसेंस जब कभी भी आप इशू करेंगे तो उसकी क्या वैलिडिटी होती है। तो पसार लाइसेंस जब कभी भी आप इशू करते हैं तो उसकी वैलिडिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, लेकिन यहाँ पास मोटा मोटी अगर देखा जाए तो जो वैलिडिटी पीरियड होती है वो आपके 5 साल की होती है। वैलिडिटी पीरियड 5 साल के लिए होती है, लेकिन कुछ स्टेट में जैसे उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पास 1 साल के लिए भी दिया जाता है। तो ये इसकी वैलिडिटी से रिलेटेड है कि मैक्सिमम जो है 5 साल में, लगभग सब स्टेट में 5 साल में है, बाकी एक आध स्टेट में, 3 स्टेट में एक एक साल है। इसके अलावा जो है अगर कभी कभी भी पसार जब आपका मतलब ख़त्म होने का हो तो आपको जो है मतलब इसको तुरंत ही 45 दिनों के अंदर जो होता है इसको फिर से रिन्यू करवाना होता है। अगर आप रिन्यू नहीं करवाते तो ये आपको कैंसिल हो जाता है, और इसके बाद जो है आपको आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों ये पसार लाइसेंस को लेके मैंने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और आने वाले समय में जो सिक्योरिटी गार्ड की जो मतलब बिजनेस वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, क्योंकि हर जगह सिक्योरिटी गार्ड की, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपकी जो भी सवाल होंगे कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, और अगर तो आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे फ्लैश हो रहे नंबर्स वहाँ पास आप कॉल करके भी आप आगे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।